तो स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube के चैनल पे। तो हम अभी रिवर के किनारे खड़े हैं हम लोग। एक नदी है हमारे गांव में, तो मैं अभी गांव में आया हूँ। तो हमारा एक मोटर है 7.5 HP का, तो अभी वो पानी सक्शन नहीं पकड़ रहा, तो फुटबॉल में प्रॉब्लम है। हम प्राइमिंग के लिए पानी भर रहे हैं। फुटबॉल दाखो सर, फुटबॉल को डिस्नर चला रहे पाँच का दोन मिनट पाइप दाखो जो इसका पाइप दाखो मैं। तो दोस्तों रात के लगभग 10:30 बज गए, तो ये फुटबॉल का हमारा पाइप है। अभी इसको हमने चेक किया हिला के, उसके अंदर जो एनआरवी का बॉल्स रहता है, बॉल जो जाके एंड में फुटबॉल के इधर रुक जाता है, तो पीछे से प्राइमिंग करके पानी पूरा पाइप में हम पूरा भर देंगे, प्राइमिंग करेंगे, और उसके बाद मोटर स्टार्ट करने के बाद सक्शन खींचने में पावर आएगा। तो हम अभी अभी हमने हम लोग मोटर दिखाएंगे पॉज कर क्रॉप कर थांबाजूला बोला ना जरा चला काय करायचं ओके। तो अभी देखो ऐसे प्राइमिंग होता है, ये सक्शन इनलेट है इसका, लगभग 3-4 इंच का लगभग पाइप है 100 mm का, फ्लेंज लगा के माउंटिंग किया है पोर्टेबल माउंटिंग की पर्पज के लिए। मोटरची स्पेसिफिकेशन दाखव ना, ठीक आहे इथे मोटर स्पेसिफिकेशन दिसत दिसलं 10 मिनिट मेहनत के बाद मोटर अभी चालू हो गई है। देखो मैंने फ्लेंज टाइट कर दिया, टाइमिंग का इशू तो सॉल्व हो गया। लगा बंद कर दिया आगे स्टार्ट। तो ये इसका पैनल है पंप का 7.5 HP का, तो ये ऑटो स्टार्टर है जो टाइमर बेस पे चलता है, और इस अभी सिंगल फेज पे मोटर चालू है। 3 फेज का मोटर है अभी सिंगल फेज पर, वोल्टेज ले रहा है 404 और एम्पियर ले रहा है 12 एम्पियर। और जब ये ड्रेन चलता है तो अपना प्राइमिंग का प्रॉब्लम है समझने का, यहाँ जब 4 एम्पियर लेगा तो समझने का ड्राई मोटर रन हो रहा है। थैंक यू। गाड़ी चालू। तो दोस्तों जो पंप चालू हो गया, तो देखो दिखता पानी हो। तो ये हमारा खेत है, तो गन्ना लगा और एक लाइन बहुत भारी है, जैसे अगड़ा है पावर तैकड़ा है पावर।